हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स मतलब रिजल्ट से रिलेटेड और वो भी कौन से रिजल्ट आपने देख ही लिए थंबनेल में इन्फोसिस विप्रो एंड टीसिस तीनों रिजल्ट को एक साथ कैप्चर करेंगे टारगेट से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे आ, उन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कितने भाग सकते हो उससे रिलेटेड तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जानते हैं बट स्टॉक में आगे बढ़े जाने वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जो कि आपका चैनल है इन्वेस्ट हो रहा है वह सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के हिट कर लीजिए ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें फौरन तौर पे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आज के वीडियो को देखिए बाइक चलने की रिकमेंडेशन नहीं है एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है पर्टिकुलर वीडियोस को जाके देखिए एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है आज के दिन में दोनों शेयर दस दस परसेंट भागते हुए दिखाई दिए प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए और दोनों शेयर हमारे पास है प्ले थ्रू करिए गोत्रिये और यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर नंबर है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हो तीन स्टॉक से रिटी सबसे पहले एक एक करके हम बातें करेंगे ये है इन्फोसिस इन्फोसिस के यहाँ पर रिजल्ट आया है तीनों दिग्गज आई टी कंपनी विप्रो इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट आए आज की डेट में इन करोड़ में रिजल्ट है और अगर यहाँ पर देखे तो देखिए ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लास्ट पर्टिकुलर क्वार्टर के और ये एक साल पहले के दिसंबर के रिजल्ट यहाँ पर मतलब दिसंबर क्यू के रिजल्ट है यहाँ पर है तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगी यहाँ पर टोटल इनकम से कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम यहाँ देखेंगे तो थर्टी करोड़ रुपीज इससे पहले थर्टी से 26, तो यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू तो यहाँ पर ईयरली जो 26000 थी वो बत्तीस से हो गई है तो तीस हजार थी वो बत्ती बत्तीस हजार हो गया मतलब ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहां पर इनकम बढ़ती हुई नजर आई है बट साथ साथ अगर हम यहां पर देखें एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस बार के चौबीस हजार चार सौ छत्तीस करोड़ के एक्सपेंसिस बाईस हजार करोड़ के एक्सपेंस थे इससे पहले उनचास उन्न, सॉरी उन्नीस करोड़ के यहां पर एक्सपेंस दिखाई दे रहे थे तो ईरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर एक्सपेंसिस भी उसी तरीके से यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर आप देखेंगे चीजें किस कहां पर यहाँ पर एक्सपेंसिस हुए जैसे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस यहां पर होते हुए दिखाई

रुपीस का हुआ है इससे पहले 5428 का प्रॉफिट हुआ तो अगर आप देखेंगे और क्वार्टरली बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है जो की हमें यहाँ पर ईपीएस में भी पता चलेगा यहाँ पर देख सकते हैं तेरह रुपए छियासी पैसे का ईपीएस हो गया है इससे पहले बारह रुपए अट्ठासी पैसे का ईपीएस और इससे पहले बारह रुपए पच्चीस पैसे का ईपीएस ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन और इसी वजह से यहाँ पर अगर देखे यहाँ पर चार्ट पे अगर हम इन्फोसिस को देखेंगे सॉरी यहाँ पर निकाल देता हूँ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड को यहाँ पर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि इन्फोसिस यहाँ पर एक अच्छा खासा आज के दिन भी भागता हुआ दिखाई दिया और अच्छी खासी रैली भी पर होती हुई दिखाई देती बीच में यहाँ पर आ, टेंडर के थ्रू यहाँ पर ओपन मार्केट के थ्रू आई थिंक यहाँ पर बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ था और कंपनी ने बाईबैक लाया था और उससे बाद एक अच्छी खासी नौ सौ रुपए से रैली शुरू हुई थी और जो कि 1800 पे आ, 1900 पे जाके खत्म हुई है अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट बात करूं तो लगभग उन्नीस सौ चौदह रुपए अगर उन्नीस सौ चौदह रुपए को ये यहाँ पर

ओके एज वेल एज इसकी रिकॉर्ड डेट की अगर हम यहां पर बात करें तो इसका रिकॉर्ड डेट भी यहां पर दे रखा है फैब में दे दे रखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ देखिए तो थर्ड डिविडेंड विल बी पेड ऑन मंडे फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आपके पास यहाँ पर ये शेयर आपको मंडे मतलब यहाँ पर सात फरवरी 2022 को ये आपके थर्ड डिविडेंड जो इन्होंने दिया है तीसरी बार सात रुपए का ये डिविडेंड आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा इसके अलावा यहाँ पर बाई से रिलेटेड भी न्यूज है तो यहाँ पर बाईब से रिलेटेड न्यूज को करोड़ रुपए का देखिए जिनके पास एक्सेस कैश, कैश पड़ा होता है वो कंपनी अपने यहाँ पर पर्टिकुलर शेयर को खुद ही खरीद लेती है लोगों से और कुछ अगर देना चाहते हैं वो शेयर बाईबैक के थ्रू तो वो दे सकते हैं नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते जितने आपके पास शेयर है तो याद रखियेगा सारे शेयर नहीं जाते कुछ शेयर यहाँ पर जाते हैं अगर किसी का दस रुपये दस शेयर है या पंद्रह शेयर है या बीस शेयर है तो याद रखिए एक शेयर के लिए ये अप्लाई करें ज्यादा के लिए अप्लाई मत करें ओके वो यहाँ पर पैंतालीस सौ में आपका बिक जाएगा बाईबैक से रिलेटेड मैंने आपको बना रखी है वीडियो किस तरीके से बाईबैक का फायदा लेके शेयर को यहाँ पर पैंतालीस सौ में देने के बाद यहाँ पर नीचे के लेवल से दोबारा खरीद सकते हैं और फिर शेयर जब पैंतालीस सौ तक जाएगा तो आपको दो तरीके से यहाँ पर फायदा हो सकता है तो उस चीज़ को यहाँ पर बाईबैक से रिलेटेड आपको ऊपर दे दूंगा और वो स्ट्रेटेजी मैं हमेशा अपनाता हूँ कभी भी बाईबैक आता है

देखते हैं टीसीएस का तो टीसीएस का रिजल्ट थोड़ा सा हम यहां पर नीचे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा इन करोड़ में रिजल्ट है आपको पता है देश की नंबर वन आईटी कंपनी है ये, इस के, लास्ट के, लास्ट ये के रिजल्ट है। और टोटल इनकम की बात करें तो यहां पर देखिए था और एक साल पहले की बात करें तो लगभग फोर्टी करोड़ थाउजेंड का यहाँ पर टोटल इनकम थी तो अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है और एक्सपेंसिस की बात करें एक्सपेंसिस भी उसी रेट से बढ़ते हुए नजर आई लगभग थर्टी सिक्स थाउजेंड एट नाइनटी नाइन करोड़ रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंसेस है इससे पहले थर्टी फाइव थाउजेंड था इससे पहले थर्टी वन थाउजेंड तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आया और यहाँ पर टैक्सेस एज वेल एज एक्सपेंसिस निकालने के बाद जो हमारा नजर आता है प्रॉफिट तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड नाइनटी

तो ईपीएस भी यहाँ पर ही दे रखा है यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं आप यहीं पर ही नीचे दे रखा होगा ईपीएस देखिए छब्बीस रुपए छब्बीस रुपए का ईपीएस इससे पहले का इससे पहले तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और बाईबैक को कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया दस शेयर है दस में से केवल एक के लिए अप्लाई करना दस के लिए नहीं एक शेयर आपका चला जाएगा पैंतालीस में तब तक शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा ऊपर जाने के बाद उस शेयर को यहाँ पर बेच सकते हैं जो चीज पैंतालीस के बाद चीजें नीचे आएगी तो जब भी सौ दो सौ तीन सौ रुपए नीचे आए तो यहाँ पर चार तो हजार पर को यहाँ पर आप खरीद सकते हैं और टीसीएस को आप इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो देखिए यहाँ पर आज यहाँ पर इसने कल के डेट में यहाँ पर लगभग इसका जो हाई था वो यहाँ पर लगाया तो अगर इसे ब्रेकआउट की बात करें तो अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे इस लेवल को जो इसका प्रीवियस हाई था सौ अठहत्तर रुपए का इसे यहां पर क्रॉस करना होगा बट यहाँ पर मुझे ये शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिरेगा लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे फिर ये चीजें यहाँ पर भागेगी और यहाँ पर याद रखिये इसका टारगेट की बात करूं इसका टारगेट पैंतालीस ही है और ये पैंतालीस रुपए तक जाएगा ही जाएगा तो अगर किसी को के पास तीन महीने से छह महीने का अगर टाइम है ओके okay, तो वो यहाँ पर इस शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर अगर बात करूं तो सोलह परसेंट के सत्रह परसेंट के रिटर्न ओके okay, जैसे नीचे खरीद लीजिएगा बीस परसेंट तक के रिटर्न आपको आने वाले तीन महीने में मिलते हुए नजर आ सकते हैं तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ नजर बनाइए इसके अलावा बात करेंगे हम एक और दिग्गज कंपनी जिसका नाम है विप्रो विप्रो की बात करें द इंटिम इंटिंग डिविडेंट ऑफ वन रुपीज यहाँ पर दिया गया पर इक्विटी शेयर ऑफ पर वैल्यू ऑफ टू रुपीज तो यहाँ पर बात करें एक रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया गया है और यहाँ पर ऑनओ बिफोर ऑफ फाइव फेब को पहले मतलब पांच फरवरी से पहले ये डिविडेंड का पैसे आपके अकाउंट में यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा यहाँ पर इनके रिजल्ट देख लेते हैं रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम यहाँ पर पैटर्न में रिजल्ट दे रखे हैं तो यहाँ पर अगर बात करें ये लैक्स में दे रखे करोड़ में नहीं है तो टोटल इनकम की बात करें वन वन लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर थर्टीन लैक्स लेक्शन रुपीज का इनकम है इससे पहले वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड था इससे पहले वन लाख थर्टी वन थाउजेंड था तो यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल इनकम तो यहाँ पर टोटल इनकम ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है बट यहाँ पर अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है जो कि प्रीवियस साल में भी और प्रीवियस क्वार्टर में भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देखा जा सकता है ओके बट स्टिल कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम काफी बेहतरीन है और एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही है तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर टैक्स एंड ऑल देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे हाथ में आता है तो यहाँ पर देखेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स फिफ्टी चौबीस हजार छह सौ पचास करोड़ का यहाँ पर सॉरी रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इससे पहले दो सौ अड़तीस तेईस हजार आठ सौ चौहत्तर लैक्स इन रुपीज का प्रॉफिट था इससे पहले ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन वन का प्रॉफिट था तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर अगर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता ओके अदर अदर इनकम थोड़ी सी आ जाती एज वेल एज यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो टैक्सेस इस बार के कम है लास्ट टाइम के ज्यादा थे फिर यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट हुई है तो शायद ये शेयर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है थोड़ा सा गिर सकता है यहाँ पर देखिए ईपीएस भी ईयरली बेसिस पे और ईयर वाई ऑन वाई मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये चीज कंपेयर करना चाहिए तभी हमें चीजें समझ में आती है तो अगर हम देखेंगे ईयरली बेसिस पे ईपीएस में भी गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक है तो यहाँ पर शायद शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है कल की डेट में तो पर एक बार डीबीआर जो इसका ओपन होगा यूएस मार्केट में वो देख लीजिएगा नाइट के टाइम पे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा एक बार देख लेते हैं विप्रो एडी एडीआर की अगर बात करें यहां पर एडीआर लाइव अगर यहाँ पर दे रखा होगा तो एक बार देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है विप्रो के एडीआर में यहाँ पर देखिए लगभग माइनस पांच परसेंट छह परसेंट की यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है तो आई थिंक कल की डेट में विप्रो में एक अच्छी खासी गिरावट होगी जो इसे लगभग छः सौ रुपये तक लेके जा सकती है और वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी याद रखिएगा रहे अगर ये शेयर आपको छः सौ रुपये के आसपास मिलता है तो यहाँ पर बाई करने की यहाँ पर सोच सकते हैं और यहाँ पर अभी बेचने की भी आप सोच सकते हैं क्योंकि चीज़ें नीचे जाएंगी नीचे जाएगी तो आप खरीद पाएंगे ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके रिजल्ट विप्रो के एज कम्पेयर टू इंफोसिस और टीसीएस सी यहाँ पर अच्छे नहीं आया तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर बेच के यहाँ पर चल सकते हैं और जब नीचे आए पचास रुपये के लगभग नीचे आए 650 से 600 के बीच में ये शेयर मिले तो बाय ऑन टिप्स करके यहाँ पर खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ की बात करें तो इंटेक्ट है ये चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएंगी तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे लाइक तो लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है और जितना हो सके सपोर्ट करना है तो सो सो थैंक यू मच ब्लेस